लाओ कहाँ गया। अब इसको क्या कहना, लाओ जय मुसलमान जय किसान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وإلهنا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي صدق الله مولانا العلي الذي بلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله حضرات علماء کرام سادات کرام سنی عوام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ करीमा का तर्जुमा आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल किया और सारी नेमतें तुम पर तमाम कर दी। टुडे आई कंप्लीटेड योर रिलीजियन फॉर यू। ये बात यूं भी कही जा सकती थी कि आज मैंने दीन लोगों के लिए मुकम्मल कर दिया। अकमल तो लिन्नास ना, अकमल तो लकुम ओ माई डियर एंड होली प्रॉफिट माई बिलवेड प्रॉफिट। I completed religion not for others,
only for you. लकुम फॉर यू, तुम्हारे लिए, यानी दीन इस्लाम मुकम्मल हुआ है हुजूर के लिए, ताकि अगर कोई दुनिया में मुसलमान बने तो ये ना समझे कि हमारे लिए आया, दिया नबी को, नबी ने हमें दिया, तो हम नबी को छोड़कर इस्लाम मिलने वाला नहीं। अकमल तो मैंने मुकम्मल किया, लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन, दीन भी नबी का है, नबी के लिए है और मुकम्मल हुआ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम मुकम्मल हुआ है, तो शुरू कहां हुआ? टू डे कंप्लीटेड, तो व्हेन स्टार्टेड, आज मुकम्मल हुआ है इस्लाम। तो भारत के 135 लोगों को, 135 करोड़ लोगों को मालूम होना चाहिए, इस्लाम आज नया नहीं है, आज मुकम्मल हुआ है। तो अब पता लगाया जाए कि शुरू इस्लाम कब हुआ। अरे जब आदम अलैहि सलाम शुरू हुए हैं, इस्लाम शुरू हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, मैं आदम को जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं, और आदम से पहले कोई आदमी नहीं। ये जितने भारत में आदमी हैं और जितने थे, सब आदम की औलाद हैं। गुजरात में पैदा हो तो किसकी औलाद है? आदम इस्लाम की इब्तिदा है और हमारा नबी उसकी इंतहा है। सुभान अल्लाह। स्टार्ट किया आदम ने, मुकम्मल किया मुस्तफा ने। जो मध्य प्रदेश में पैदा हो किसकी औलाद है? कुछ शरीफ में पैदा हो तो किसकी औलाद है? बोलो। अयोध्या में पैदा हो तो किसकी औलाद है? आदम की औलाद है। मथुरा में पैदा हो तो किसकी औलाद है? आदम की औलाद है। मदीने में पैदा हो किसकी औलाद है? आदम की औलाद। मक्का में पैदा हो किसकी औलाद है? अगर ये आदम की औलाद नहीं है तो फिर आदमी नहीं है। क्या कहने, क्या कहने। तो सबसे पहले कौन आया? आदम। हमसे पहले 135 करोड़ से पहले 7 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड से पहले, 7 अरब आबादी से भी पहले, अमरीकियों से पहले, यूरोपियन से पहले, इंडियन से पहले, मक्का मदीना से पहले। तो आदम सबके पूर्वज हैं। तो पूर्वज की तरफ लौटना है तो असली जगह लौटो। क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब, क्या कहने। घर वापसी, घर वापसी हम भी चाहते हैं। ये तो हमारे मुंह की बात छीन ली और घर तय हो गया कि आदम ही का घर। अब आओ आदम के घर को समझाएं। आदम के घर में ला इलाहा इल्लल्लाह, नो गॉड बट अल्लाह। आदम के घर में वहदानियत है, तौहीद है, वहदत है, यकताई है, लैसा कमिसली है। आदम के घर में वहदानियत है,
अल्लाह के घर में नजरिया उलूहियत है, आदम के घर में एक ही खुदा है। अब जो एक खुदा मानेगा वो आदम के घर में है, और जो कई खुदा बनाएगा घर के बाहर है। तो ये जो बाहर हुए इनकी वापसी होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, हक है। इस्लाम लेटेस्ट है, नया है, किसने बताया? बुढ़ापे में जब उम्र पूरी हो जाती है तो कोई नहीं कहता ये बुढ़ा अब शुरू हुआ है। क्या बचपने से इनकार करोगे? उस बूढ़े की जवानी से इनकार करोगे? तो इस्लाम का नया कहने वालों, क्या इब्राहिम से इनकार करोगे? आदम से इनकार करोगे? नूह से इनकार करोगे? सुभान अल्लाह। ये आदम से इनकार करने वाला पहला कौन है? और इनकार करने वाला कोई मामूली नहीं, जाहिल हो, अनपढ़ हो, गांव खेड़ेगा हो, जो मैंने हल उठाया था कंधे पे रखकर थोड़ी देर के लिए किसान बन गया, ताकि समझ जाए कि ये किसानों को गिरा नहीं सकते। सुभान अल्लाह। किसान बैठ जाता है तो कानून बदल जाता है, अगर मुसलमान बैठ गया तो दुनिया बदल जाएगी। सुभान अल्लाह। खरी खरी इसलिए सुना रहा हूं कि मैं अली की औलाद हूं, बुजदिल की औलाद नहीं। तो इनकार करने वाला अनएजुकेटेड, जाहिल, अनपढ़, गंवार, दिहाती नहीं था, वेल लर्नेड। अब अगर आप मेरे पास आए हैं और दिल में कुछ सोच रहे हो तो मैं बता दूं, फौरन आप मेरा हाथ चूमेंगे, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार। ये मैंने मिसाल दिया है, मेरी वो हैसियत नहीं है कि दिल की बात जान लेने वाले की बड़ी इज्जत होती है। कब्र पर जाए और बता दे इसका नाम ये है और फना है, वो पूरे गांव में चर्चा होगा। इबलीस, उसके इल्म का हाल ये है कि इस वक्त वाशिंगटन के लोग क्या सोच रहे हैं, इसी समय मास्को के लोग दिल में क्या है, इसी समय गुजराती क्या सोच रहा, अरबों खरबों लोगों के दिलों में क्या चल रहा है जानता है। ऐसा चमत्कार, फिर भी काफिर है। और ध्यान दीजिए, इल्म के साथ साथ अमल भी। सजदे पे सजदा, सजदे पर सजदा, जिक्र पर जिक्र, जिक्र पर जिक्र, तस्बीह 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 तस्बीह, तकवा पे तकवा, लग गया लकवा। इतना करने के बाद भी काफिर है। अबा वस्तकबरा वो काना मिनल काफिरीन। मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा रब बोल रहा है, रब बोलेगा तो सब बोलेंगे। अब ऑपोजिशन, क्लर्क नहीं था वो, बस पे नहीं जाता था, ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं कराता था, यानी हल्के स्टैंडर्ड का नहीं था,
जन्नत का दरवाजा उसके लिए खुला था। जब वो ईमान की हालत में था तब ये बातें थी। द डोर ऑफ पैराडाइज वॉज ओपन फॉर हिम 24 आवर्स। जन्नत का दरवाजा उसके लिए 24 घंटा। क्या घंटा? जोर से बोलो, 24। जब उसे सूट नहीं करता तो हमें कैसे सूट करेगा? वाह वाह वाह। जन्नत में जाता था, जन्नत की हवा खाता था। कहा जाता है कि झूले पर बैठता था। गुजराती से अच्छा झूला जानने वाला कौन? और डोरी पकड़कर फरिश्ते आम मलाइका में से डोरी पकड़ के झूला झूलाते थे। ये पोजीशन हमेशा के लिए जन्नत से निकाल दिया गया। पक्की बात, हमेशा के लिए जन्नत से निकाल दिया गया। पक्की बात, वजह बताओ। न इल्म की कमी, न इबादत की कमी, न दर्जे की कमी, न पोजीशन की कमी, फिर निकाला क्यों? एक ही जवाब है, आदम नबी की ताजीम से इनकार करना। तो नबी की ताजीम से इनकार करने वाला, तवज्जो, नबी की ताजीम से इनकार करने वाला अगर जन्नत में भी हो तो अल्लाह बाहर कर देता है। ये तो पहले ही से बाहर हैं। तौहीन करेंगे तो अंदर जाओगे कैसे? आज भी नबी की तादीम से इनकार करने वाले हैं, मगर उस्ताद उस्ताद है, गुरु गुरु, चेला सूख जाए तो लकड़ी का चैला। इनकार दोनों ने किया। उससे कहा गया, उस जुदूले आदम, आदम के लिए झुक जाओ। झुका नहीं। फसा जादू इल्ला इबलीस, सारे फरिश्ते सज्जे में चले गए इबलीस के सेवा। इनकार कर दिया झुकने से। ताजीम के लिए झुका नहीं। उस्ताद से कहा गया झुक जाओ तो झुका नहीं। और आज कहा गया ताजीम के लिए खड़े हो जाओ, खड़ा हुआ नहीं। वो झुकने को तैयार नहीं, ये उठने को तैयार नहीं। नकल तो उस्ताद की किया है मगर अमल बदल दिया। वो झुकने को तैयार नहीं, ये उठने को तैयार नहीं। मेरे भाई, तरीका बदलने से चार्ज नहीं बदलता। धाराएं नहीं बदलती। इंडियन पेनल कोड की जो दफा जिसके लिए है वो बदलती नहीं, तरीका बदलने। मसलन, अगर कोई किसी बेगुनाह की हत्या कर दे, कभी ना करना, बहुत बड़ा पाप है। एक बेगुनाह इंसान का कत्ल, मुसलमान का नहीं, किसी भी इंसान का कत्ल पूरी मानवता का कत्ल है। ये इस्लाम कहता है, अगर कत्ल करना है तो इंसान को कत्ल ना करो, उसके अंदर की बुराई को कत्ल करो। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बुराई के खिलाफ लड़ो, बड़ा लड़ना आता है तो। बुराई की सिर्फ दो ही जगह है, या तो बुराई समाज में, या बुराई आदमी के अंदर है, तीसरी कोई जगह नहीं।
जो आदमी समाज की बुराई देखता है उसे दूर करना सत्ता का काम है, जनता का नहीं। इसीलिए अच्छी सरकार बनाए करो ताकि समाज की बुराई दूर कर सके। ये काम पब्लिक का नहीं है, पब्लिक का काम यह है कि अपने अंदर की बुराई को दूर करे। मारना है तो अपने अंदर की बीमारी को मारो, अपने अंदर के ऐब को मारो, अपने पाप को जो अंदर है। तो जो हुकूमतें समाज से बुराई को मिटाने के लिए ताकत इस्तेमाल करती हैं, उनके साथ हैं। लेकिन इस्लाम कहता है ये जिहाद है, समाज से बुराई मिटाना जिहाद है। समाज मिटाना जिहाद नहीं, फसाद है। ये तालिबान एंड कंपनी ये जिहादी नहीं, फसादी है। डंके की चोट पर कहता हूं और बिना डरे हुए आतंकवादियों से मैं ये कहता हूं कि अगर तेरे बंदूक में AK-47 में अगर गोलियां हैं तो हमारे सीने में रसूलुल्लाह की बोलियां हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिहादी होना सबके बस का नहीं। जिहाद कहते बुराई से लड़ने को। मैं जिम्मेदार नहीं हूं सच है या नहीं, लेकिन मुझे सुनाया गया कि महाभारत में बुराई से लड़ाई हुई, बुराई के खिलाफ लंका गए। इसे फसाद नहीं कहा जाएगा अगर बुराई के खिलाफ गए तो। बद्र में, उहुद में, खैबर में, खंदक में, हद यह है कि करबला में बुराई मिटाने के लिए फातिमा का लाल गया था। इसे जिहाद कहते हैं, ये सबके बस का नहीं है। और जो अपने अंदर की बुराई को मिटाए ये जिहादी अकबर है, जो समाज से मिटाए ये छोटा जिहाद है, जो अपने अंदर से मिटाए बड़ा जिहाद है। शब्दों के दुरुपयोग से आत्मा समाप्त हो जाती है। तुम क्या जानो जिहाद जब कभी कर किया नहीं। फसाद और है, जिहाद और है। अगर आज मुस्लिम मुल्क फारूक आजम के हाथ में होता तो बुराई ढूंढते रह जाते। जब हाकिम भ्रष्ट हो, खुद ही बुरा हो, वो समाज की बुराई कैसे दूर करे। मैं आपका आह्वान करता हूं, अपना हिसाब लो, आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो और अपने अंदर की बुराई को मिटाओ। अगर एक मर्द अच्छा हुआ तो अपनी बीवी के अंदर की बुराइयों को दूर करेगा, अपनी औलाद के अंदर की बुराइयों को दूर करेगा, एक परिवार पाक साफ हो जाएगा। एक घर अगर ऐसे किया तो पड़ोसी ने भी वैसे ही किया, तो उसके पड़ोसी ने वैसे ही किया, तो पूरा गांव पाक हो गया। तो नबी की ताजीम से इनकार करना आज का नया प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पुराना है, बड़ा सनातन है, बहुत ओल्ड है। अब आदम अलैहि सलाम जन्नत से निकले, इबलीस भी जन्नत से निकला, मगर दो अलग अलग मकसद था।
इबलीस निकला, मैं बहका बहका कर जहन्नम भरूंगा, और आदम निकले, मैं अपनी नस्लों से जन्नत भरूंगा। तो एक एक हालत में दो को देखो तो एक जैसा मत समझो। गरीब निकलता है किसी और इरादे से, गरीब नवाज किसी और इरादे से। सुभान अल्लाह। अब अगर ये हुक्म होता हम दो हमारे दो, तो अब तक एकाध लाख आबादी होती। वहां तो हर इशू में दो बच्चे पैदा होते, ट्विंस, और ये भी अल्लाह की हिकमत थी, एक लड़का एक लड़की। अब आपस में शादी करना निकाह करना तो कैसे हो भाई बहन? तो आदम की शरीयत में इस मजबूरी को देखते हुए कि ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो ये तकवा इख्तियार किया गया कि पहली बार में जो बाप जो भाई बहन पैदा हुए वही भाई बहन हैं जो साथ साथ पैदा हुए। तो लड़की जो बाद में पैदा हुई और लड़का जो पहले पैदा हुआ उसका निकाह। जैसे जैसे समाज की आवश्यकताएं बढ़ती गईं, जैसे जैसे समाज की मानसिकता में विकास, समाज का विकास, विश्वास, सबका साथ, हमारे यहां कामयाबी इसमें नहीं कि सबका साथ, हमारे यहां कामयाबी है रब का साथ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो एक स्टैंडर्ड होता है समाज का, एक मेयार होता है, एक बुनियाद होती है कि सर्वश्रेष्ठ सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समाज में कौन है। तो लोग समझे जो मोस्ट ब्यूटीफुल हो वही सबसे ज्यादा महान है, सुंदरता महान है। लोगों को देखते थे, खूबसूरत लड़कियों खूबसूरत लड़कों की तलाश होती थी, और जो खूबसूरत मिलता था उसी को सर पर उठाते थे। यानी लव ऑफ ब्यूटी, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का महत्व समाज में था। ऐसे समाज को, ऐसी मानसिकता को खुदा तक ले जाने के लिए अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जो देखे मचल जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम वॉज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ही वॉज ब्यूटी हिमसेल्फ। वो सिर्फ हसीन नहीं थे, हुस्न थे। जुलेखा ने देखा तो काबू नहीं पाई, मान मर्यादा सम्मान सब भूल गई। और जब सहेलियों ने ताना मारा कि तू शाही घराने की औरत, वो बाजारे मिस्र में बिका हुआ इंसान, ये बिके हुए आदमी पर तू कैसे बिक गई? तो मोहब्बत समझाई नहीं जाती। वाह वाह
और की नहीं जाती, हो जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब हो जाती है तो बस हो गई, हो गई। बहस में नहीं गई, सहेलियों को समझाने के लिए उन्होंने कोई अपना संसद भवन नहीं बनाया। समझा करो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और वो भी इमाम हुसैन की औलाद। इसीलिए तो मैं कहता हूं निश्चिंत रहो, आराम से रहो, और रसूल के इस खानदान के लिए दुआ करते रहो, क्योंकि जब तक फातिमा का खानदान है दुनिया में मुसलमान है। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ो। उन्होंने मशवरा दिया सहेलियों को, ये लो फल और ये चाकू, फल ले लो, जब मैं कहूं काटो तब काटना। अब वो अगर बाएं हाथ में फल लिए, दाहिने हाथ में चाकू, और इंतजार कर रही थी कि जुलेखा काटने को बोले। हजरत जुलेखा ने बुलाया, यूसुफ बाहर आओ। जैसे यूसुफ बाहर आए, औरतों ने देखा जुलेखा ने कहा फल काट दो, तो फल तो कटा, साथ में चारों उंगलियां कट गईं। ऐसे हैरत अंगेज हुस्न, अद्भुत सुंदरता, चमत्कारिक सुंदरता, छा गया दिलो दिमाग को, होश नहीं रहा, फल किधर गया, होश नहीं, उंगलियां कट गई। आज हमारे यहां साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे सर से लेकर पैर तक जो शारीरिक अंग हैं, उन सब का कनेक्शन दिमाग से है। जब कांटा आपको चुभेगा, फौरन इंफॉर्मेशन माइंड को जाएगी, और माइंड कहेगा हटाओ, फौरन आप हटाएंगे, ये इमीडिएट होता है। ब्रेन इज गवर्नर ऑफ होल बॉडी, वो इतना सेंस है उसके पास, ब्रेन के पास, कि अगर सुई भी चुभ जाए पैर में, हाथ में, टांगों में, तो सूचना जाती है दिमाग को, और दिमाग वहां से ऑर्डर देता। मैं चक्कर में पड़ा कि जब पहली उंगली कटी, दिमाग ने रोका क्यों नहीं, दूसरी भी कट गई, दिमाग को पता नहीं चला, तीसरी भी कट गई, दिमाग को महसूस नहीं हुआ, चौथी कट गई, दिमाग की जानकारी में बात नहीं आई, हटाने को कहा नहीं। बोले यह ऐसा हुस्न था कि दिमाग अपनी जगह रहा कहां, फंक्शन ही खत्म हो गया। उसने यूसुफ पर मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गई। खुदा की कसम, उसने यूसुफ पर हाशमी के मां बाप कुर्बान, मगर यह कहे बगैर नहीं रहूंगा कि उसने यूसुफ और है, उसने मुस्तफा और है। सुभान अल्लाह। शहजादे हुजूर मौतिसे आजम गिन, जानशीन हुजूर मौतिसे आजम गिन। सुभान अल्लाह। आपसे गुजारिश है कि नारा जो है स्टेज पर से ना लगाइए, अपना माइक बंद करो, सारा माइक नहीं, क्योंकि मैं सोचता हूं कहीं किसी के मन में ये ना आए कि स्टेज से बार बार नारा लग रहा है, क्या फिक्सिंग है। मगर मैं मानता हूं स्टेज पर बैठने वाले उलमा हैं, सादात हैं, अहले सुन्नत व जमात के लोग हैं, इनके दिल में जो ईमान की गर्मी है, मोहब्बत रसूल
का जो असर है वो जोश मारता है, एक्साइटमेंट, और नारा लगाते हैं, गलत नहीं करते। मगर मैं ये सोचता हूं कि मोहब्बत रसूल से सीना को मदीना बनाने वाले सिर्फ स्टेज ही पे तो नहीं, मेरे सामने हजारों हैं। हमारे मजमे में बैठा हुआ हर नौजवान गौसो खाजा की मोहब्बत का चिराग लिए हुए और ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जनता जनार्दन नारा लगाएगी क्योंकि अरे मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तुम मेरे लिए आए हो। जो बात कहनी थी वो ये, हुस्ने यूसुफ और है, हुस्ने मुस्तफा और है। नौजवानों तुम्हें बता रहा हूं, हुस्ने यूसुफ और है, हुस्ने मुस्तफा और। हुस्ने यूसुफ जब बेनकाब हुआ तो मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गईं, हुस्ने मुस्तफा जब बेनकाब हुआ अरब के मर्दों की गर्दनें कट गईं। जब एक समय ऐसा आया समाज में वही महान है, उसी से सरोकार है, उसी का इख्तदार है, उसी की सरकार है, जो जादू जानता हो, अब वो जादू रहा नहीं, जादू ऐसा हुआ करता था रस्सी फेंकें मंत्र पढ़ें सांप हो जाए, और जो आदमी उनकी फरमाबरदारी न करे उनको सजदा न करे उसको बुलाते थे, मेरे के आगे झुक सजदा कर ना बोले मंत्र पढ़ा, उसे गधा बना दिया। अब सामने एक गधा बन गया, दूसरे आदमी से बोले तू करता या गधा बनता, आंख से देख रहा है कि गधा बना दिया। ऐसा जादूगर आपके गांव में आ जाए, मंत्र पढ़े कुत्ता बना दे, उसे कहना बाबा मेरे को कुत्ता मत बना, कोई इज्जत नहीं है कुत्ते की, मेरे को गाय बना दे। कुछ तो लोग मेरे को मां कहेंगे, प्यार से खाना खिलाएंगे। कितनी खतरनाक ताकत है ये, इंसान को जानवर बना दे। अब मारे डर के तुम सजदा करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन कुर्बान जाओ औलिया अल्लाह पर। भारत में आए, कौड़ीनार शरीफ में आए, बंगाल में आए, गुजरात में आए, राजस्थान में आए, उत्तर प्रदेश में आए, और सारे जादूगरों को मुसलमान बनाया। अब जब वो मुसलमान बन गए तो उनकी सारी ताकत सीमित हो गई, किसी को सिखाया नहीं क्योंकि सिखाना हराम है, अपने सीने में ही लेकर दुनिया से चले गए। कुछ टोना टोटका बचा है, छूछा, मियाँ बीवी को लड़ा दो, लव मैरिज करा दो,
ये छोटे मोटे टुटके बचे हुए हैं जिसको हमारी खानकाहें निपट जाती हैं। और कोई बड़ा सेब आ जाता है तो दरे मखदूम अशरफ खुला हुआ है। वो समाज जिसमें जादूगरी की महत्व है, वो समाज जिसमें ब्लैक मैजिक की इंपॉर्टेंस थी, उस समाज को खुदा तक ले जाने के लिए रब ने मूसा कलीमुल्लाह को भेजा। आए जादूगर को जादूगरी के साथ टाइप कर दिया, कलमा पढ़ा दिया, फिरौन अकड़ गया, तारीख गवाह है उखड़ गया। जब पत्थरों की अहमियत बढ़ गई, वो तराशे जाने लगे, उनको सूरत में शक्ल देकर सूरत और शक्ल दी जाने लगी, जो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजा गया। पब्लिक को लेके खड़े हुए, निकलते हुए सूरज को, क्या ये खुदा है? पब्लिक को लेके खड़े हैं, देख ये जो सूरज निकल रहा, सूर्य उदय साफ शफाफ सोने की थाली की तरह रोशन, ये क्या ये खुदा है? पूरी पब्लिक को साथ रखा और जब वो डूबने लगा, नो, जो डूब जाए वो खुदा नहीं, जो डूबने वाले को बचाए वो खुदा है। डूबने वाला खुदा है ही नहीं। चौदहवीं का चांद चमका, क्या ये खुदा है? लेकिन फजर के बाद गायब हो गया, और जो गायब हो जाए वो खुदा नहीं। कैसा आहिस्ता आहिस्ता समझा रहे, ना समझ अब तक खुदा समझ रहे। नमरूद, नमरूद, मुंह का मजा खराब हो गया, ये भी कोई नाम है? नमरूद बेदरूद मर जाए तो नफातिया न देगी, मगर क्या करूं, नाम नहीं लूंगा तो समय कहो और काल समझ में नहीं आएगा, पीरियड नहीं समझ में आएगा। हजरत इब्राहिम से उलझ गया। हजरत इब्राहिम बोले, मेरा अल्लाह मारता और चिल्लाता है। नमरूद कहता, मैं भी अल्लाह हूं, मैं भी खुदा हूं, मेरा खुदा मारता और चिल्लाता है, तू खुदा है तो मारता और चिल्लाता किधर? नमरूद ने अपना राजनैतिक दिमाग लगाया, आज भी नमरूद यही कर रहा है। क्या दिमाग लगाया? ए इब्राहिम, मरता जिलाता मैं भी हूं। वो कैसे? और रुको, जेल के अंदर वो कौन है जिसको फांसी का आदेश दिया है जज ने, ले आओ। जब फांसी जिसको दी जानी थी, दो दिन बाद फांसी, मौत, नमरूद ने बुलाया और कहा, जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया, और एक को रिहाई हो गई थी उसको कत्ल कर दिया,
और इब्राहिम से बोला जो मरने जा रहा था मैंने जिला दिया, जो जीने जा रहा था मैंने मार दिया, मैं भी मारता जिलाता हूँ। हजरत इब्राहिम चाहते तो इस बचकानी दलील की धज्जियां उड़ा देते, मगर अल्लाह का खलील जानता था खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। उनका एक भारी भरकम बात कह दो जो इसके बाप से भी ना हो। बोले मेरा रब पूरब से सूरज निकालता है, मेरा रब पूरब से निकालता है, पश्चिम में डुबोता है, अगर तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल। फबोहतल लदी कफर, टूट गई कमर, कभी देखे इधर कभी देखे उधर। बोले ये सूरज के ऊपर तो कंट्रोल नहीं है, ले देकर के पटा नहीं सकता। अंडर टेबल नथिंग, आधी सल्तनत ले ले सूरज मेरे कहने पर एक दिन पश्चिम से निकला, वो जानता था मैं सबसे बड़ा बादशाह हूं, लेकिन ये मेरा हुक्म नहीं मानेगा। नमरूद ना निकाल सका। लेकिन ये दलील उलूहियत कि जो पश्चिम से सूरज निकाल दे वो खुदा है, ये तो तारीख के सफात पर महफूज कि नमरूद तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल। नमरूद तो न निकाल सका, मगर ये दलील उलूहियत कायम रही। नमरूद न निकाल सका, मगर इसी डूबे हुए सूरज को मकाम साहबा में अली मुर्तजा के लिए रसूल ने पश्चिम से निकाला। इसी डूबे हुए सूरज को आज मैं आपसे बताना चाहता हूं, आज एक मसले को हल करना चाहता हूं। डूबे हुए सूरज को पश्चिम से निकालना इब्राहिम खलीलुल्लाह की दलील की रोशनी में खुदा होना। नमरूद ना निकाल सका, मुस्तफा ने निकाल दिया, तब खुदा ने हुक्म दिया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए नबी अपनी बशरियत का ऐलान करो ताकि लोग खुदा ना समझे। और मोहब्बत अल्लाह रसूल में, पूरब से अल्लाह ने निकाला रसूल राजी, पश्चिम से नबी ने निकाला खुदा राजी। मकाम साहिबा में अली मुर्तजा की नमाज कजा हुई, अली की नमाज और कजा, उनकी नमाज तो ऐसी नमाज थी कि सजदे में चले जाएं तो खतरनाक तीर भी खींच लिया जाए तो खबर नहीं। इस कदर फरोतनी, इतनी सुपुर्दगी, इतना समर्पण और इस कदर बारगाह किबरिया में समर्पित, होश नहीं अपना तो नमाज का ख्याल कैसे जाएगा। आओ पूरा वाकया बताता हूं ताकि कोई पहलू तशना न रह जाए। हुआ यह था कि मौला अली बेहतर वक्त के इंतजार में बैठे थे कि अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। हुजूर नमाज पढ़कर आए, इन्हें पढ़ना बाकी था, इतने में रसूल पाक आ गए अली के जानू पर। रसूल पाक ने अपना सर रख दिया,
कमाल है जो हमारे सरों पर भी रहे तो हम बादशाह हो जाएं, वही सर अली के जानू पर है। तो जब जानू की मेराज ऐसी है, अली के सर की मेराज कैसी होगी? अली मुर्तजा करमल्लाह वजहुल करीम अदब से बैठे रहे, हिले नहीं। रसूल पाक ने क्या किया? सर रखा, आंखें बंद कर ली। अब रावी क्या कहता है कि जानू अली पे सर रखकर रसूल सो रहे थे, असर का वक्त खत्म हो गया, नमाज ना पढ़ने का डर दिल में उठा, दर्द दिल आंसुओं में तब्दील हो गया। इससे पहले कि अली आंखों के पट को भेड़ते, बेताब आंसू आंखों से गिरे रुखसारे मुस्तफा पर। रसूल ने आंखें खोली, अली क्या मामला है? ऐ रसूलल्लाह, मैं नमाज नहीं पढ़ सका। उठे और अल्लाह से कहा, तरके नमाज नहीं कहा, अली से नमाज छूट गई नहीं कहा, कहा तो ये कहा, ए अल्लाह तेरा बंदा अली तेरी और तेरे नबी की अतात में था। ऐसा पीर किसके पास होगा जो ना नमाज पढ़े मगर अतात में है? इशारा किया, डूबा हुआ सूरज पलट आया। ये जो रावी ने कहा है कि नबी सो रहे थे, ये मुझे हजम नहीं हो रहा। वो कोई सोने का टाइम था? असर के वक्त ना लैलूला है ना कैलूला है, और एक ऐसा टाइम है कि खुद सलातुल वुस्ता है, जबरदस्त उसमें ताकीद है असर की नमाज की, और सरकार सो जाएंगे। हमें आंख बंद होने का मतलब ये थोड़ी है कि बंदा सो रहा है। रावी ने बंद आंखें देखी, ये तो सही रवायत है, लेकिन सो रहे थे ये रावी ने देखा कैसे? किसी की स्लीपिंग को देखा नहीं जा सकता, नींद को बाहरी आदमी देख नहीं सकता। अरे वो सो रहे थे या अली का दिल तोड़ रहे थे? कहीं अली की आजमाइश तो नहीं थी? लाओ मैं थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लूं, लाओ थोड़ी देर के लिए मैं आंखें बंद कर लूं, देखें अली करते क्या है, मुझे छोड़ करके नमाज तो नहीं पढ़ता, मुझे छोड़ के मस्जिद तो नहीं जाएगा, मुझे छोड़ करके फर्ज तो नहीं पड़ेगा, मुझे छोड़ करके सुन्नत तो नहीं पड़ेगा। अली उठे ही नहीं और साबित कर दिया, या रसूल अल्लाह वो जमात और है जो आपको छोड़ के नमाज पढ़ती है। वो और लोग हैं जो नमाज छोड़ जो नमाज पढ़ते नबी को छोड़कर नमाज पढ़ते, नबी को छोड़ करके फर्ज और सुन्नत और नफिल पढ़ते हैं। मैं अली हूं अली, न जिंदगी में तुम्हें छोड़ूंगा न बंदगी में तुम्हें छोड़ूंगा। हमसे कहा जाता है रोया ना करो। अबे कोई रोता है क्या? रो पड़ता है। हम लोग पत्थर दिल नहीं है, हम खसदल नहीं रोते, लेकिन दूसरों का दुख देखकर रो पड़ते हैं, रो पड़ते हैं। सुन्नियों का दुख देख करके रो पड़ते हैं, तो क्या फातिमा के लाल का दुख देख करके रोएंगे नहीं? रो नहीं पड़ सकते। अब जिसके आंसू ना आते हैं वो जाने, हमें तो आते हैं। मसनूई नकली बनावटी इन बातों से बचना है, असली से क्यों बचे? तसन्नो रियाकारी इससे बचो।
मैंने पूछा भाई क्यों रोने से मना करते हो, बहुत अच्छी बात कही, बहुत लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, तर्क संगत, बहुत मंथकी अंदाज में कहा। आंख आला दर्जे की जगह है, आंसू गिरेंगे जमीन पर तो मिट्टी में मिल जाएंगे, आंसू दिल के जज्बात का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके जज्बाते अंदरूनी के नुमाइंदे हैं और ऐसे मुकद्दस नुमाइंदे को मिट्टी में मिलाओगे, ना रोया करो, आंख से गिरेगा आला दर्जे से गिरेगा, अदना दर्जे में पहुंचेगा, घटिया दर्जे में पहुंचेगा। मैंने अली के आंसुओं से पूछा तुम भी मत गिरो, अली की आंखें बहुत मुकद्दस हैं, वहां से निकलना मत, कहा वो तेरे आंसू हैं, बाहर आएंगे तो मिट्टी पर गिरेंगे, ये अली का आंसू है, अगर गिरेगा तो रुखसारे मुस्तफा पे गिरेगा, आला जगह छोड़ेगा, आला तरीन जगह जाएगा। अब डूबे हुए सूरज को पलटाया, अब देखिए पलटाया ऐसा लफ्ज है जिस पर आप ध्यान नहीं देते, सूरज इधर है और ये दुनिया गोल है, आधी दुनिया में लाइट है आधी दुनिया में अंधेरा है। अब सूरज जब यहां आया तो असर का टाइम यहां है, अब ये डूब गया तो ये दुनिया रोशन हो गई और इधर जो रोशन थी वहां अंधेरा हो गया। रसूल ने सूरज को पलटा दिया, यानी मगरिब का टाइम फिर चेंज होके असर हो गया, तो पूरी दुनिया में सिस्टम बदल गया। तो एक अली की नमाज के लिए पूरी दुनिया का सिस्टम, सरकार ये भी तो हो सकता था कि हजरत बिलाल हबशी को आप बुलाते हो, कहते हैं बिलाल तुम मगरिब की अजान धीरे धीरे दो, और अली से कहते तुम अजान का जवाब मत दो, इसी में कजा पढ़ लो, फिर मगरिब बाजमात हो जाएगी। मैं अंदर की बात बताना चाहता हूँ, दिल में जो घुस जाए उसे बहुत ही होश के साथ सुनना है। नहीं नहीं, अली कजा नहीं पढ़ेंगे, डूबे सूरज को पलटना होगा, तवज्जो, क्योंकि अगर अली ने कजा पढ़ा मेरी मोहब्बत रुसवा हो जाएगी। आप रसूल पाक की नाजुकी को मुलाजा फरमा, गैरत मुस्तफा कितनी नाजुक है, अगर अली ने कजा पढ़ा तो मेरी मोहब्बत रुसवा हो जाए। डूबा हुआ सूरज पलटा, अब मैंने सूरज से कहा हमारे देश में तेरी बड़ी महानता है, न जाने कितनी औलादों का पिता है, हिंदुस्तान की जमीन बहुत अच्छी, सूरत से बच्चे, हवा में उड़ते बच्चे, मछली के पेट से बच्चे, जबरदस्त मुल्क है, बहुत महान है तू। अब ये बता कब डूबेगा, अब कब डूबेगा, वाह वाह, बोले पहले पूछा होता तो मैं वो टाइम टेबल बता देता जिस टाइम टेबल से सारे साहबा ताबईन तबे ताबईन वाकिफ थे, मुझे देख करके सिद्दीक अकबर हों कि फारूक आजम हों कि हजरत जुन्नूरैन हों कि मौला अली मुश्किल कुशा हों,
हसनैन करीमैन हो या शोएब मुबशरा हो या मुहाजिरीन अंसार हो या आज की तारीख में गुजरात के लोग हों, सब सूरज को देख के टाइम टेबल बनाते थे। क्यों मुफ्ती इस्माइल साहब, ये रमजान का टाइम टेबल बनाते हो ना? सुबह शादी इतने बजे है, फजर इतने बजे है, जोहर इतने बजे है, मगरिब, और मौसम बदलता है, टाइम टेबल बदल जाता है। तो मौला अली भी जब मदीने में थे तब, कूफा मुकद्दसा पहुंचे तब, हमेशा सूरज को देख के टाइम टेबल बनाते थे। सरकार ने फार्मूला बताया था, जब सूरज यहाँ हो तो ये नमाज है, यहाँ हो तो ये नमाज है। मिसलैन पे पहुंचे तो असर पढ़ो, जोहर ऐसे पढ़ो, डूब जाए तो मगरिब पढ़ो, और जब फिजा में आए शफक अहमर ख़त्म हो जाए, यानी यूँ समझो डेढ़ दो घंटे के बाद ऐसा पढ़ो। मैं कब डूबूंगा बेवकूफ, पहले क्यों नहीं पूछा? मैं बता देता कब डूबूंगा। अब तो अली से पूछो इनकी नमाज कब पूरी होगी। सूर्य मौला अली को नमस्कार कर रहा है। ये सूर्य नमस्कार हम पहले से जानते हैं कि ये हमारे पीराने पीर को नमस्कार करता है, हमें क्या जरूरत है? ये तो हमारे बड़ों को नमस्कार कर चुका है। अरे जब बगदाद में गौसे आजम थे उन्हें भी नमस्कार करके निकलता था, और जब डूबता था तो समाचार दे के डूबता था। हमारा समाचार फेसबुक यूनिवर्सिटी से नहीं, करामत और रूहानियत के खजाने से निकलती है। अब अली से पूछो कब नमाज पूरी होगी, मैं तो इन्हीं के लिए आया हूं। पांच मिनट अगर अली नमाज पढ़ेंगे मैं पांच मिनट नहीं डूब सकता, दस मिनट पढ़ेंगे मैं दस मिनट नहीं डूब सकता, बड़े इत्मीनान से आधा घंटा पढ़ेंगे तो मैं आधा घंटा नहीं डूब सकता। जब तक नमाज पूरी नहीं होती अली की मैं डूब नहीं सकता। क्या मतलब? तवज्जो, जब तक अली ने कुर्बान नहीं किया, अली सूरज को देखा करते थे, और जब मुस्तफा पे कुर्बान हो गए सूरज अली को देखने लगा। और जब समाज की मानसिकता का विकास हुआ, जब मानव गुणों का महत्व हुआ, जब ह्यूमन वैल्यूज, बड़ा आदमी वो नहीं जिसके पास दौलत हो, समाज में बड़ा आदमी वो है जो दुखियों का दुख दूर कर दे, सबसे बड़ा आदमी वो है जो गरीबों की गरीबी मिटा दे, कोढ़ियों को अच्छा कर दे, अंधों को आंखें दे दे, हद यह है कि मुर्दे को भी जिला दे, वो महान है। ऐसी मानसिकता के समाज में अल्लाह ने अपने तक लाने के लिए ईसा रूहुल्लाह को भेजा। लेकिन जब और विकास हुआ, मानव समाज बादशाहत करके देख चुका, हकीमी करके देख चुका, आयुर्वेद को जान चुका, यूनानी को जान चुका, हिकमत को जान चुका, बड़े बड़े तलवार चलाने वालों को देख लिया,
बड़े बड़े पूंजीपतियों को देख लिया, मगर समाज में शांति नहीं थी। बादशाहत है मगर शांति नहीं, मोहल्ले में दौलतमंद है मगर शांति नहीं, राजपाट पर बैठे मगर शांति नहीं। राज का झगड़ा एक ही परिवार में हो जाए तो भारत में खून की नदियां बह जाएं, शांति नहीं। अमेरिका को शांति चाहिए, यूरोप को शांति चाहिए, एशिया को शांति चाहिए, मानव समाज को शांति चाहिए। अब वही सबसे बढ़िया देश है जहां शांति हो, वही अच्छा प्रदेश है जहां शांति हो, वही बढ़िया परिवार है जहां शांति हो, और वही दिल दिल है जिसमें शांति हो, वही दिमाग दिमाग है जिसमें शांति हो। जब शांति का महत्व बढ़ गया और दुनिया शांति की भूखी प्यासी नजर आई, तो मेरे रब ने इनकी तसल्ली के लिए पैगंबर अमनो शांति मोहम्मद अरबी को भेजा। नबी आए शांति लाए, उनके संदेश को शांति संदेश कहते हैं। सलाम सलामती, ऐसी सलामती लाए कि अगर बुरों की सोहबत में मुसलमान ना होता, गंदों की सोहबत में मुसलमान ना होता, तो ऐसी सलामती नबी ने दिया कि कोई जब दूसरे से मिलता है तो सबसे पहले कहता अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो तुम पर। वो जवाब देता है वालेकुम अस्सलाम, तुम पर भी सलामती हो। उठते बैठते चलते फिरते सलामती देता है, सलामती लेता है, शांति देता है, शांति लेता है। अस्सलामु अलैकुम पीस अपॉन यू, वालेकुम अस्सलाम पीस अपॉन यू टू। वो मजहब जो पहली मुलाकात ही में सबसे पहले शांति की बात करता है, उस धर्म पर आतंकवाद का इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती। एक बात बताइए, आतंकवाद का एरिया कहां है, शुरू कहां से हुआ हो, जमा कहां, इसका स्टेशन कहां है, लोकेशन कहां है। अरब, साउथ एशिया, ये मिडिल ईस्ट जो है, यही इसका लोकेशन है। अफगानिस्तान है, ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, एमिरेट है, लीबिया है, सीरिया है, जॉर्डन है, यही लोकेशन है। अगर इस्लाम में आतंकवाद होता तो सबसे ज्यादा आतंकवाद कहां होना चाहिए, जहां सबसे ज्यादा मुसलमान है। सबसे ज्यादा मुसलमान जहां है और इस्लाम में आतंकवाद है, तो उन ज्यादा मुसलमानों में आतंकवाद होना चाहिए, वो तो इंडोनेशिया है। आतंकवाद का लोकेशन वहां क्यों नहीं है, इस्लाम में जो जो है सब इंडोनेशिया में है। इस्लाम में कुरान है, इस्लाम में अजान है, इस्लाम में नमाज है, इस्लाम में रोजा है, इस्लाम में हज है, इस्लाम में जकात है, सब इंडोनेशिया में है। आतंकवाद इंडोनेशिया में क्यों नहीं है, मलेशिया में क्यों नहीं है, क्योंकि वो सब सुन्नी है, वहाबी नहीं है। तो आतंकवाद की अम्मा फिर कौन है। नंबर दो, आतंकवाद आया दुनिया को बर्बाद करने के लिए, दुनिया को मिटाने के लिए, अमन शांति छीनने के लिए। अच्छा गौर तो करें, यह आतंकवादी
अरब ज्यादा है ना, अरब में ज्यादा कौन है? इराक में सबसे ज्यादा कौन है? मुसलमान। ठीक है, आतंकवाद सबसे ज्यादा कहाँ है? वही है। किसको मारते हैं ये आतंकवादी? मारते किसको हैं? मुसलमानों को मारते हैं। तो जो आतंकवाद इस्लाम से निकलेगा मुसलमानों को कैसे मारेगा? इराक में ना ईसाई मारे गए, ना हिंदू मारे गए, ना यहूदी मारे गए, सिर्फ मुसलमान मारा गया। आईसिस ने किसको मारा? तो लोकेशन ये है कि इस्लाम को छोड़ दो, आतंकवाद का मुसलमान से भी कोई ताल्लुक नहीं। मुसलमान को मारते हैं ये। तो दो चीज, तीन चीजें हैं ध्यान में रखिएगा। एक तो अरब मुसलमान की अक्सरियत है, आतंकवाद वही है, उन्हीं को मारा जा रहा है। और तीसरी बात यह है कि वहां तेल का भंडार है। तो आतंकवाद अगर इस्लाम से आता तो मुसलमान तो सेफ रहता, तेल से निकला है इसीलिए सारे मुसलमान जलाए जा रहे हैं। निकला कहीं से किसी और के लिए, उसकी हिम्मत है कि गरीब नवाज के देश में आ जाए? यहां तेल है ही नहीं, काहे को आएगा? सुपर पावर तो वही आतंकवाद फैलाएगा जहां तेल हो। यहां तो हमें तेल मंगाना पड़ता है, हमारी गोद में नहीं है। तो अच्छी तरह समझ लो कि आतंकवाद न इस्लाम से है, न किसी धर्म से है, न किसी मजहब से है। पहली बार आतंकवाद को धर्म से जोड़ा गया। और दुनिया के गुरु घंटाल सुपर पावर ने यह काम किया है, वरना आतंकवाद पहले भी था। हमें क्या नमरूदी आतंकवादी नहीं थे? क्या यजीदी आतंकवादी नहीं थे? क्या मरवानी आतंकवादी नहीं थे? बुजहल और बुलहब आतंकवादी नहीं थे? क्या लिबरेशन फ्रंट, आयरिश लिबरेशन फ्रंट आतंकवादी नहीं था? क्या भारत में नक्सलाइट आतंकवादी नहीं है? लेकिन किसी ने आतंकवादी संगठन को धर्म से नहीं जोड़ा। नक्सलपंथी कहा, हिंदू नहीं, उनको आयरिश लिबरेशन फ्रंट कहा, क्रिश्चियन नहीं। तो किसी धर्म में आतंकवाद की जब जगह नहीं तो धर्म से जोड़ते क्यों? एक का मुसलमान ने किया, गलत काम किया, सजा दो। उत्तेजक भाषण दिया, दो सजा। लेकिन जब वही बयान साधु देगा तो जाने दो। ये तुम कर सकते हो, हम नहीं। बेशक यजीद कलमा पढ़ने वालों के घर में पैदा हुआ, बेशक उसके वालिद सहाबिये रसूल हैं, उसका दादा सहाबी, उसकी दादी सहाबिया, बड़े घराने में पैदा हुआ, लेकिन इमाम हुसैन ने यह नहीं देखा कि कलमा पढ़ता है। जाने दो। ये जात पात, ये धर्म विशेष की मदद करना तुम कर सकते हो, न कल हुसैन ने किया न आज हुसैनी करने को तैयार है। कलमा पढ़ने वाला यजीद, नमाज पढ़ने का कहलाने वाला यजीद, करबला की धरती पर इमाम हुसैन ने हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के नालायक बेटे को बेनकाब किया,
ये नहीं देखा कि अपनी जात का है, अपने धर्म का है, हम कुरैश के हैं ये भी कुरैश का है, उमैया और हाशिम भाई भाई हैं, वो एक भाई की औलाद है, हम दूसरे भाई की औलाद है, नहीं देखा न जात देखा, न पात देखा, न धर्म देखा, न्याय देखा। इस्लाम एक मानववादी मानवता को बचाने और निखारने वाला धर्म है, दया का धर्म है, कृपा का धर्म है, क्षमा का धर्म है, जिसकी जीती जागती मिसाल हमारी धरती पर रौनक अफरोज ख्वाजा हैं, खुदवे आलम है, शाहे आलम है, और इस गांव में भी शहीदों ने अपने खून को बहाकर इंसानियत की लाज रखा, पैगामे इंसानियत को फैलाया, आज भी वो अपनी कब्रों में तब भी जिंदा थे, अब भी जिंदा हैं, हमारे दिलों में नबीजीन सिद्दीकीन तमाम शहदा और सालहीन की मोहब्बत है, अभी भी है, मरते दम तक रहेगी, इसी में हिंदुस्तान की भलाई है, सारे इंसान की भलाई है, आलम की भलाई है, अमनो शांति के इस पैगाम को जो इस्लाम ने दिया है सच्चे दिल से कबूल करें। बना बना कर खुदा को ना खुदा बनाओ, जिसने तुम्हें बनाया है उसे पहचान लो। भटको मत, कस्तूरी कुंडल बसे मरगढ़ूले बनमा, ऐसन घटमा पीऊ है दुनिया जाने ना, अपनी नाभि में कस्तूरी रखे और जंगल में खुशबू की वजह से ढूंढे, नादान जरा अपनी नाफ की तरफ तवज्जो करके आत्मचिंतन कर ले तो वो कस्तूरी तेरे अंदर ही मौजूद है। मन अरफा रब्बहु फकद अरफा, मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बहु, जिसने खुद को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। वाखरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।